नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। दोस्तों, इसमें जो है पिछले साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, लेकिन अब की फरवरी मार्च बीत गया और इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। गुड़हल का प्लांट ऐसा होता है कि हर गार्डनर अपने गार्डन में शामिल करता है, और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होने के नाते ये बहुत ही लोकप्रिय प्लांट है। इसको लगभग हर लोग अपने गार्डन में ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, इसमें अगर फरवरी मार्च में फ्लावरिंग ना हो किसी फ्लावरिंग प्लांट में समर के, तो गार्डनर को चिंता होना लाजमी है। मैंने भी यही सोचा कि इसमें आखिर में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। मैंने तो इसको सब कुछ प्रोवाइड कराया, बीच बीच में मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसकी मस्टर्ड केक की और बनाना पील्स की सब देते रहे, फिर भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ये देखिए, एक ग्रो बैग में ये लगा हुआ है, ये शुरू से ही इसी ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हुई पिछले साल, तो मैंने सोचा कुछ तो कमी है। फिर मैंने जो अपने पिछले गुड़हल के पौधे में अप्लाई किया था, वही फर्टिलाइज़र मैंने सोचा कि इसको देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने इसको क्या दिया, देखिए ये मैंने इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र ये देखिए बना के रखा है। देखिए पानी काला हो गया है, इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने छान लिया, और ये है मेरा चाय की पत्ती। एक चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती मैंने जो है उबाल कर और रात भर के लिए 24 घंटे के लिए इसको रखा था, तो इसको लगभग 50 ग्राम हम इसमें डालेंगे। और ये देख रहे हैं आप, हमारे हाथ में है नेस्कैफे का पैकेट, 1 रुपए का पाउच जो मिलता है। इसमें 1 चम्मच होता है, इसको जो है आधा लगभग इसमें हम अपने डाल देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से डाइल्यूट कर लेंगे। देखिए हमने मिला लिया इसको, अब इसका ये कलर हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, देखिए। अब हम इसको जो है पहले इसकी गुड़ाई कर लेते हैं, 1 इंच लगभग इसकी गुड़ाई कर लेंगे इस तरह से, खूब अच्छे से मिट्टी इसकी। थोड़ी बहुत जड़ अगर कट जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद ये मेरा 1/2 लीटर का जो ये मिक्सर तैयार हुआ है फर्टिलाइज़र, उसको हम इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों, इसको मैंने 20-25 दिन पहले 6-7 अप्रैल को किया था ये एक बार, आज मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए परिणाम, अब इसमें बड्स आ रही हैं। ये देखिए, ये और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बड्स, ये अब इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से ये जो कॉफ़ी और चाय की पत्ती है, ये हमारे पॉट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। इस तरह से हम इसको जो इसकी फालतू की ब्रांचेज हैं, इनको हम कट कर दे रहे हैं। ये हमारी गार्डन की सॉइल को चाय की पत्ती और वो कॉफ़ी हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाती हैं,
जो कि फ्लावरिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। आप फ्लावरिंग क्या, आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग हर प्लांट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स में इनको अप्लाई करके एक बार ज़रूर देखें और इनका लाभ उठाएं। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।